गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है, आज की डेट है 7 जनवरी और आज संडे है। बता दिया ना आपको, सर्दी है, सर्दी बहुत है आज, देख सकते हो आप लोग। आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, लास्ट मॉर्निंग। शाम को हम चले जाएंगे, कुछ भी नहीं दिख रहा। 1 hour later वेलकम बैक। तो गाइज, बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ आपसे। मैंने आपको दिखाया था कितनी ठंड हो रही थी और आज बारिश हो रही है यहाँ पे। और आज है एकादशी, तो आप सभी को नए साल में एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं और मैं और खुशबू और नानू, हम तीनों मंदिर जा रहे हैं। बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मैंने शॉल ले लिया है। ये देखो बारिश हो रही है। तो दोस्तों, ये है छोटा सा मंदिर और ये देखिए, मैं आपको बाकी बिहारी जी के दर्शन करा रही हूँ। आज एकादशी है तो पूजा पाठ हो गई है, उनको भोग भी लगाया था, फिर गजक का भी लगाया था। और ये छोटा सा मंदिर है तो मैं आपको मंदिर का भी टूर करा देती हूँ, जहाँ पे साईं बाबा, माता रानी और भोले बाबा और बाकी बिहारी जी हैं। जय 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 श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कृष्णा को छोड़ के हम जा रहे हैं मंदिर पास वाले। और जब बच्चे होते हैं ना तो कैसे निकलते हैं, चोरी चोरी, चुपके चुपके। आज सर्दी बहुत है, बारिश हो रही है बाहर। नानू, खुशबू और मैं तीनों मंदिर जा रहे हैं। नानू, आराम आराम से। बारिश हो रही है बाहर। तो तो इंदौर में बस इतनी ही, मतलब हल्की फुल्की ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती यहाँ पे, बारिश कभी भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे हमने अपना स्टॉल ही ले रखा है और आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर बहुत पास में ही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इनका जो घर है, खुशबू का जो मेरा भाई, उसका घर है, उसके बैक साइड से ही मंदिर दिखता है। मतलब खिड़की खोलूँ और दर्शन हो जाए। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, होम टूर भी कराऊँगी, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। और आज हम लोग जा भी रहे हैं तो सोचा मैं डेली मंदिर को देखती हूँ। और आरती की आवाज़ से ही नींद खुलती है यहाँ पे, 7:30 बजे आरती होती है मॉर्निंग में। तो एकादशी थी तो मैंने सोचा जाते जाते दर्शन करके ही चलते हैं। पहले भाई आ रहा था मेरे साथ में, फिर खुशबू का मन हो गया तो फिर मैंने बोला चलो खुशबू को ले जाती हूँ, तुम शाम को चले जाना। तो बस यहाँ पे चलो दर्शन कराते हैं आपको। और बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो यहाँ पे लोटे में जल रखा रहता है, आओ और भोले बाबा को जल चढ़ा लो। तो बस यहाँ पे देखिए, जल चढ़ा के अभी मैं पूरे मंदिर में दर्शन कर रही हूँ। कृष्ण भगवान, राधा रानी हैं, साईं भगवान भी हैं यहाँ पे, और राम दरबार भी है, हनुमान जी का मंदिर है। तो मतलब सभी भगवान जी यहाँ पे हैं और मैं पहले भी आई हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए।
तो बस दर्शन हो गए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर वापस, दर्शन कर लिए हैं, आज एकादशी है और पहले निक्की आ रहा था, फिर हम और खुशबू आ गए क्योंकि कृष्णा को तो एक को लेना है। कृष्णा को हो गई है सर्दी, बाहर लेकिन बाहर बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है, ये बिल्कुल धूप नहीं निकलेगी, बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है और एकादशी थी तो मुझे दर्शन भी करने थे। फाइनली दर्शन हो गए, नानू भी हमारे साथ हैं, नानू से मिलवाते हैं और आज हम जा रहे हैं। खुशबू आपको कैसे लग रहा है? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा सच में, अकेला अकेला लगता है ना यहाँ पे तो वो लगेगा। नहीं आज रात को ना कृष्णा ढूंढेगा सब लोग कहाँ गए, अभी ढूंढता, अभी रोता है वो। हम छुपके आए हैं, छुपके आए रो रहा बाहर आने के लिए, तो चलो चलते हैं, तैयारी भी करेंगे और आज आपको हम खुशबू का घर भी दिखा देंगे क्योंकि कमेंट आया था कि होम टूर दीजिए, तो इसी व्लॉग में थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी और मंदिर भी दिखा दिया, बिल्कुल पास में है, विंडो से मंदिर के दर्शन होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, होम टूर दूंगी जब। चलो घर पे चलते हैं। आपको कैसा लगा दीदी का वीडियो बना के? ये पूरी हमारी फोटोग्राफर रहती है, पूरे हमारे वीडियो बनाती है, रील बनाती है बेचारी मेरी। नानू देख के बेटा गाड़ी आ रही है, चलो रास्ता ही भूल गई। तो देखिए हम लोग अभी कॉलोनी में अपने आ चुके हैं, ऊपर से आपको थोड़ा, नीचे से आपको थोड़ा सा ऊपर साइड दिखाती हूँ। ये जो स्टार्टिंग है बिल्डिंग की, तो ये मेन गेट है, नीचे पार्किंग है बहुत बड़ी सी और सीढ़ियाँ हैं, इसमें लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियाँ हैं, फोर्थ फ्लोर पे है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो कोई ना कुछ कमेंट आया था कि रेंट का घर है क्या भाई का, तो नहीं ये हमारा खुद का ही घर है और ये मम्मी के टाइम से ही है, पहले रेंट पे था और अभी भाई रहने लगा है तो वो खुद रहने लगा है। और ये सामने आप छत देख रहे हैं वो कॉमन है, मतलब जितने भी रहते हैं फ्लैट में वो सबकी कॉमन मतलब टेरेस है। और अभी गेट को बंद कर देते हैं, मेन गेट मैंने आपको दिखा दिया है। तो सबसे पहले ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें टीवी है और सोफ़ा कम बेड डाला हुआ है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज भी यहीं पे रखा है क्योंकि किचन में स्पेस नहीं है। एक ही बेडरूम है जहाँ पे बेड डबल बेड है, एक बड़ी अलमीरा है, छोटी अलमीरा है, छोटे मोटे से स्टोरेज हैं क्योंकि आपको पता है घर गृहस्थी है, बहुत सारा सामान रखना होता है। और ये एक बड़ी सी विंडो है, एक साफ़ट भी है जो मैं आपको नहीं दिखा पाई, वो हमेशा बंद ही रहती है। और ये है एक किचन, छोटा सा मतलब छोटा नहीं है, काफ़ी इनफ है, हम दो तीन लोग यहाँ पे आराम से खड़े हो जाते हैं। और पूरा फर्नीचर है तो आप देख सकते हैं। और खुशबू मैडम हमारे यहाँ पे काम करती हुई खाने की तैयारी कर रही थी। और यहीं पे एक छोटा सा मंदिर आप देख सकते हैं। और किचन के जस्ट बाहर है टेरेस, तो ये कॉमन है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी टेरेस है जो कि सबके लिए है। और ये हमारी पर्सनल है, मतलब किचन के बाहर ये हमारी ही है, और क्योंकि टेरेस होना बहुत ज़रूरी है, यहीं पे हम कपड़े सुखा लो, कोई भी चीज़ सुखानी है, बैठना है, धूप लेनी है, बारिश हो गई, मतलब बहुत अच्छा लगता है टेरेस साथ में होती है फ्लैट के। तो और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू तो बहुत ही सुंदर है, मैंने आपको इतने दिन रही हूँ तो आपको दिखाया ही है। एंड ये भी विंडो ही है जो रेड कलर का कर्टन लगा हुआ था। तो चलिए मैं आपको वॉशरूम भी दिखाती हूँ और टाइम आप देख सकते हैं मेरा जाने का टाइम होने ही वाला है। तो बस इसके बाद मैं यहाँ पे मशीन रखी हुई है, वॉशिंग मशीन, ये है वॉशरूम जो कि अटैच है। तो ये है, काफ़ी है, इनफ है छोटी फैमिली के लिए, मैं भी पहले दिल्ली में रहती थी तो ऐसे ही फ्लैट ले रखा था। और ये देखिए बेडरूम से जो विंडो है ना, बड़ी सी विंडो, वहाँ से ये मंदिर के दर्शन होते हैं। खिड़की खोलूँ तो तेरे दर्शन हो जाएँ, वही है, आरती सुनाई देती है, भजन सुनाई देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है दिन भर, मतलब अच्छी वाली फीलिंग आती है, अगर कोई नहीं है ना घर में तो भी बहुत अच्छा लगता है। और सुबह शाम तो आरती की आवाज़ आती ही आती है। तो ये मैंने आपको मंदिर दिखाया, जो मंदिर अभी हम लोग गए थे ना, ये वही मंदिर है, बैक साइड से दिखाई देता है। और ये भाई यहाँ पे बैठा है, कृष्णा यहाँ पे खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। तो ये है छोटा सा घर, और ये रही मेरी मम्मी की फ़ोटो जो कि यहाँ पे लगी हुई है, तो मैंने आपको मम्मी से भी मिलवा दिया। तो बस अभी ये हम लोग मंदिर से आए थे, उसके जस्ट बाद मैंने गजक का डिब्बा निकाला, तो मैंने भगवान जी को भोग लगाया सबसे पहले, फिर हम सब लोग यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गजक भी खाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी लगती है, और ये डबला की फेमस गजक है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये सब करने के बाद खुशबू कर रही है लंच की तैयारी। ताली बजाओ, ताली बजाओ।
बजा बजा ताली, बजा जल्दी ताली, बजा जल्दी ताली। तो खुशबू अभी कृष्णा को कुछ खिला रही हैं, तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं यहाँ पे पापड़ फ्राई करके रख देती हूँ, जितना जल्दी हो जाता है उतना अच्छा लगता है ना, फिर आराम से बैठो गप्पे मारो, क्योंकि आज हमें निकलना भी है। और कैसे निकल गए ये 8 दिन पता भी नहीं चला, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छे लगे इंदौर के ब्लॉग, थैंक यू सो मच। तो ये हमारा लंच, कढ़ी बनी थी आज लंच में, खाना दिया मैंने निक्की को दे दिया, अब मैं ले रही हूँ, आप भी ले रहे। खाओ खाओ खा लो, चूस लो चूस लो नानू ने। हाय मैया ने काय की इल्ली है, आग लगी काय की इल्ली है, शुरुआत में सही किया था ना कि उसने निक्की देते नहीं, वो खाते में सीधे जीभ निकाला और खाया, इतने सच्चे वाली होता ना, कैसी लगी सुंदर A few moments later. तो आपने देखा कैसे वो नींबू खा रहा था और उसको इतना अच्छा टेस्ट लग रहा था ना, 2 दिन उसने इतना अच्छा से नींबू खाया है ना। तो बस यहाँ पे अभी सब लोग लंच करने के बाद, मौसी का तो फास्ट है तो उन्होंने तो फलाहार करके ही आई थी वो, तो बस यहाँ पे कृष्णा अभी खेल रहा है, हम सब लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और ये हो गया है इवनिंग टाइम। तो मैं अपना डिनर ही कर रही हूँ ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं बस में जब सफ़र करती हूँ ना तो ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ। तो खुशबू ने बहुत ज़िद की, तो फिर मैंने 2-3 पूड़ियाँ खा ली थी, पूड़ी बनाई थी, ऐसे करो कृष्णा, कर दो फ्लैंग किस कर दो, ऐसे करो ऐसे ऐसे, माथा पटको माथा माथा, लाइट में इधर 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 यहाँ पे बैठो, कृष्णा 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 ऐसे करो ऐसे ऐसे करो ऐसे, नहीं 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 कर दो, नहीं कहाँ चलेंगे, कपड़े सूख रहे हैं पीछे, ये समझ गया है कि हमें जाना है, बाय बाय कृष्णा, बाय, आई खुश हो गई अब, चल धक्का मार रहा है, अच्छा बाय करो मम्मा से, ये मेरे साथ जा रहा है कृष्णा, आ चलो चलो बाय बाय बाय, चलो 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 समा कर ले जा, बाय, ये मुझे इतनी जल्दी गाता गाते बाय, चलो चलो देना मैं गेट लगा दूं ना, फिर से शुरू ना देखो देखो शुरू ना, गाइस हम जा रहे हैं, कृष्णा रो रहा है बाहर जाने के लिए, चलो 8:15 है हमारी बस, 7 बजने वाले हैं, ठीक है चलो चलते हैं, टाइम लेके चलो। A few moments later. तो फाइनली हमारी विदाई हो गई है, हम सब लोग कैब बुक करके आ गए हैं, यहाँ पे हमारी बस आएगी, तो टिकट्स तो हमारी हो ही गई थी, और ये हमारा पूरा लगेज जो इसमें मेरा भी है, मौसी का भी है, और ये खुशबू का भी मन नहीं लग रहा था, तो बोली थी मैं भी चलूँगी दीदी आपको छोड़ने के लिए, और कृष्णा तो रो ही रहा था, आपको पता है, देखो कितनी मस्ती कर रहा है, उसको इतना अच्छा लग रहा था ना, आ गया था साथ में। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमारी बस आएगी, 8 बजे का टाइम है उसका यहाँ पे आने का, तो बहुत बुरा लग रहा था, रोना भी आ रहा था, जब चलते हैं तो बहुत बेकार लगता है, यहाँ पे नानू बाबू की मस्ती। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घर कैसा लगा आपको और ये ब्लॉग कैसे लगे ये भी बताइएगा, बाय बाय। चल बैठ बाय बाय बाय, चलो ठीक है, सलमान लेना तो ले लो भाई, निकी ले जा जी वाला ले जा, बारिश हो रही है इंदौर में भैया, बारिश नीचे का नजारा लेते लेते, हां
से बारिश का मजा लेते लेते ये मजे ही ले रही हैं जिस दिन से आई हैं। बाय बाय इंदौर। बाय बाय। बारिश हो रही है। बारिश गाइस, बारिश हो रही है गाइस। हम लोग पता नहीं कहाँ पे हैं, ये वॉशरूम गए थे। नानो 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 चलो देवास से जाए दिए है ना। तो हाय गाइस, और ये है गाजर गोजर आलू गोभी सब्जी पूरी। और खाओ, चलो खा लो। मौसी का तो फास्ट है क्योंकि आज एकादशी थी। मौसी को मिल चुकी है मूंगफली मैदाना। चलो 50 रुपए ठीक है मौसी है। कल हम देख रही हूँ अपने लिए। बाय बाय नानू बाबू। तो दोस्तों बस एक दो जगह ही हम लोग उतरे हुए थे वॉशरूम जाने के लिए और पूरे रास्ते सोते हुए आए हैं आराम से। तो अभी मॉर्निंग हो गई है 7 बजे, 7:30 बजे हम लोग डबरा पहुंच गए थे इंदौर से डबरा। तो बस मौसी चली गई, ई रिक्शा मैंने कर दिया। मौसी गई अपने घर और मैं जा रही हूँ अपने घर। और पहुँच गए घर पर फाइनली। बहुत सर्दी थी सुबह के टाइम तो यहाँ पे, और पूरे रास्ते का तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गया क्योंकि हम लोग सो गए थे। तो चलते हैं घर, इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आईडी इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि है। मिलेंगे नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।